तुझसे पूछे, तो व्हाट विल यू टेल अबाउट सेलिएंट फीचर ऑफ सोसाइटी? ये क्वेश्चन है, मतलब लाइक टेस्ट का ही क्वेश्चन है। एक बार उन्होंने अपने पीआईटी मतलब प्री इंटरव्यू टेस्ट पहले लेते थे वो लोग सब्जेक्टिव राइटिंग की, तो उसमें एक क्वेश्चन मतलब करता था, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी। अंशिका आर यू देयर? यस सर। सर बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। अभी तो मैंने राधिका को बोला कि एग्रीकल्चर या ऑक्यूपेशन के बारे में जो बताते हो दैट इज सोशियो इकोनॉमिक फीचर, तो बोल सकते हो यहाँ पे देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट रिस्पॉन्स, लेकिन आप अभी भी क्वेश्चन से भटक रहे हो। अच्छा रुको, मैं फिर दूसरे को मौका दे देता हूँ। सौम्या तुम बताओ, इफ इफ यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू और एनी सब्जेक्टिव राइटिंग टेस्ट, व्हाट विल यू आंसर हियर? सॉरी सर, व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई जस्ट जॉइंड नाउ। यहाँ लिखा है मैंने, आई हैव रिटन हियर, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी? डिसेंट्रलाइजेशन, आई मीन पावर एट ग्रास रूट लेवल। क्यों बोल रही हो ये व्हाट इज दिस पावर एट ग्रास रूट लेवल जो है, ये ऐसा क्यों बोला तुमने? ये है क्या? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है तो अरे तुम लोग को अंग्रेजी तो आता होगा ना, मतलब डू यू नो हाउ टू ट्रांसलेट समथिंग इनटू मतलब हिंदी फ्रॉम इंग्लिश, ये पता होगा ना। चलो मैं दूसरे को फिर बोलता हूँ। मैं ये है ना छत्रपल सिंह, तुम्हारा कोई निकनेम है क्या? नहीं सर। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इससे पूछ रहा हूँ, छत्र छत्र। अरे नो सर। तुम पे पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। अच्छा तुम चुप हो, म्यूट कर लो अपने आप को। सिब्या को आज हम छोड़ते हैं। सिब्या तुम सुनो अभी। चलो आयुष तुम बताओ और कनिष्क इसके बाद, या पहले कनिष्क तुम बताओ। इफ आई आस्क नहीं यू व्हाट सर, इज, हाँ एक फीचर तो ये भी हो सकता है कि मतलब एक एस्पेक्ट की पॉपुलेशन साइज को देखते हुए कि स्मॉल पॉपुलेशन है, क्योंकि सब लोग अर्बन सेटलमेंट्स के लिए सिटी में आ जाते हैं, तो एक फीचर हो सकता है। मतलब आप रूरल एरिया तो स्मॉल पॉपुलेशन की है ही, तो सोसाइटी के फीचर में इसको तुम लिख सकती हो, बट दिस विल नॉट गिव यू एनी पॉइंट और एनी मार्क्स। मतलब दिस कैन होता है ना कि आंसर के आगे पीछे की बात में ये काउंट हो सकता है ना, इवन एग्रीकल्चर वाला भी जो पॉइंट है। चलो कनिष्क तुम बताओ, होपिंग कि तुम शायद बता पाओगे। सर जो रूरल इंडिया के रूरल इंडिया या फिर सोसाइटी सर, मतलब अगर दोनों में से कोई भी हम बोले तो ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स, जब हम यहाँ पे इंडिया में बैठ के इफ आई एम आस्किंग कि व्हाट आर द सेकंड फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी, तो इंडिया पर्सपेक्टिव से ही तुम जवाब दो तो बेटर होगा, ठीक है है सर, ना? रूरल सोसाइटी का होता है सर द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर एज देयर मेन ऑक्यूपेशन, द सेकेंड वन इज द पंचायती राज सिस्टम, द थर्ड वन इज इंटरडिपेंडेबिलिटी ऑफ पीपल अमंगस्ट ऑन ईच अदर, देन फोर्थ कम्स आउट टू बी देखो सर। देखो अभी सुनो, एक मिनट सुनो, तीस से जाके यू आर नाउ मेकिंग सेंस। ठीक है, पहला दोनों जो था ना एग्रीकल्चर या डिसेंट्रलाइजेशन, ये एग्रीकल्चर उनका ऑक्यूपेशन हो गया, दिस सोशियो इकोनॉमिक फीचर में एक तरह से काउंट होगा। डिसेंट्रलाइजेशन इज लाइक वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात हो गई, बट हम जब सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं तो तुम ऐसे छोटे छोटे चीजों को वाई डोंट यू ऑब्जर्व दैट कि ओके वहां पे ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं ज्यादा, सर, जैसे वहां कास्ट बेस्ड कॉलोनी बन जाते सर हैं, सोशल होमोजेनिटी क्लोज होती है ए, हाँ कम्युनिटी, सर सोशल होमोजेनिटी होती है देन क्लोज कम्युनिटी क्लोज नेट सेग्रीगेशन ऑफ द सोसाइटी होता है सर,
देन देर इज ऑल्सो रिलीजियस के बेसिस पे सोसाइटी का ज्यादा सेग्रीगेशन आप वहां पे देख सकते हैं. ठीक है, मतलब वो रेसिडेंशियल जो बनते हैं गांव में वो अलग अलग बन जाते हैं कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, दैट वन पॉइंट। और इसमें ज्वाइंट फैमिली तुमने बोला, ओल्डर एज के लोग ज्यादा पॉपुलेशन होती है ओल्डर एज के, और बच्चों की मिड मिड एज के पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेटेड होते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व एंड टेल। राधिका तुम्हें समझ में आ रहा है? सुपरस्टिशन ज्यादा होता है, ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करते हैं, एल्डर पीपल की सेज ज्यादा होती हैं, द मतलब दीज सोसाइटी आर इज द मोर फीचर्स। कंजर्वेटिव इन नेचर एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. हाँ ऐसे, मतलब तुमको कंपैरिजन टू अर्बन एरिया लिखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यू कैन राइट इट कि कंजर्वेटिव होता है, ट्रेडिशनल होते हैं, सुपरस्टिशन होता है, दे फॉलो द कल्चरल प्रैक्टिसेस मोर, ये सारी चीजें लिखनी थी एज अ सोसाइटी के फीचर्स में। अभी समझ में आ रहा है सबको? राधिका तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, सर। आप समझ अब रहे तो हैं। मगर अपने दिमाग से सोचते कि गांव में चले जाओ, अपने आप को रख लो गांव में, एंड यू कैन जस्ट सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन अटैच विद, मतलब डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स दैट यू कैन अटैच विद रूरल सोसाइटीज, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। तो आप एनी आंसर दैट यू आर लुकिंग, डोंट लुक लुक इन इनटू द बुक्स, डोंट लुक इट इनटू द मतलब जैसे थ्योरी और फैक्ट के नजरिए से मत देखो, और जो पूछा गया है उसको समझो कि क्या पूछा गया है। अगर आप इस पे ध्यान देते कि रूरल सोसाइटी के फीचर्स सेलियंट फीचर, मतलब जो उसको अलग करते हैं, मतलब उसको डिफाइन करते हैं, तो वैसे फीचर्स का नाम लेना है। यू कैन जस्ट राइट इट एनीथिंग मतलब रिलेटेड टू द सोसाइटी। बाद में इसके इर्द गिर्द तुम ये बोल सकते हो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड होती है ना, तो केवल एग्रीकल्चरल नहीं होता है, रूरल सोसाइटीज में और भी होता है, तो एग्रीकल्चरल एलायड हो सकता है। तुम कहोगे दे की तुम फीचर्स में भी रख सकते हो, दे आर वेरी क्लोज टू एनिमल्स, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड गाँव में होता ही है कि जो गाय या बकरी या कुछ कोई ना कोई एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं। तो इस तरह से उनके फेस्टिवल्स जो है या उनके मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल कैलेंडर को फॉलो करके बनाए जाते हैं, बनाते हैं वो लोग। तो इस तरह की चीजों को तुम्हें बताना था, ठीक है। यू कैन पॉइंट आउट सम ऑफ योर ओन ऑब्जर्वेशंस आल्सो, तो वो कि वहां पे जैसे मैंने एक पॉइंट आउट किया कि मिड एज के लोग जो होते हैं, यंगर एज के लोग जो होते हैं वो कम होते हैं, वो माइग्रेटेड होते हैं, तो ओल्डर एज के लोग आपको या यंग बच्चे ज्यादा देखते हैं। इस तरह की चीजों को व्हेन यू गो टू एनी विलेज यू कैन वाइप पॉइंट इट आउट कि ऐसे ऐसे फीचर्स हैं। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि रूरल इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं, तब आप उसमें बोलो कि प्राइमरी सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, फार्म लेबर्स और फार्मर्स, मतलब फार्मर विथ लैंड और फार्मर विथ नो लैंड, दोनों तरह के डिविजन है वहाँ पे। इस तरह के फीचर्स को तुम तब बोलोगे जब वहाँ के इकोनॉमिक या फिर उस पे, जब एजुकेशन की बात करें या फिर उनकी अवेयरनेस की बात करें तब वो अलग बात करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को कई बार पढ़ो समझो तभी जवाब दिया करो, तब तुम्हें अगर इस ऐसे 4 पॉइंट्स भी लिखते हो ना तो यू विल गेट मार्क्स। इसके अलावा बहुत कुछ लिख के भी ना पता चला कि तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। सौम्या तुम्हें समझ में आया? सिब्या तुम्हें समझ में आया? यस सर, यस सर, गेटिंग गुड मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर और इंटरव्यूज है ना इज डिपेंड्स, मतलब विल डिपेंड ऑन ओनली वन थिंग कि आपसे जो पूछा जा रहा है आपको वही बताना है, आंसर व्हाट इट हैज बीन आस्क्ड। आप खुद से दिमाग नहीं लगाओ अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, और गो टू द बेसिक पॉइंट्स, यू डोंट नीड टू कम अप विद द बज वर्ड्स और जार्गन्स, ऐसे की जरूरत नहीं है। गो टू द बेसिक पॉइंट्स, गो टू द रॉ ऑब्जर्वेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशंस को पढ़ो और मतलब बेसिक लैंग्वेज में बात करो, ठीक है, और जो पूछा गया वही बताओ। तो एनीवे, तो ये क्लास हमने ऐसे रखा था कि पॉलिसीज फॉर रूरल एरिया, तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि जैसे जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो यू नो कि ड्राफ्टिंग इज देयर, पहले ये लोग ड्राफ्ट करते हैं संसद में दिखाते हैं, या फिर एनीवे अगर संसद में दिखाने लायक नहीं है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज या कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन करने की बात नहीं है, तो वो अपने डिसीजन को लॉ एज एन लॉ या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरह भी उसको चला सकते हैं।
तो जब ड्राफ्ट करते हैं तो उनको जब भी हम कोई, जैसे बोला हमने कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, एनआरएलएम है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज रूरल एरिया, क्योंकि जब हम उसके लिए पैसा खर्च करेंगे तो जब हम रूरल एरिया के लिए ये बना रहे हैं पॉलिसी, तो व्हाट एग्जैक्टली इज रूरल एरिया। तो बहुत पहले ये डिफाइन किया जाता था कि जैसे 5,000 तक की पॉपुलेशन हो, एंड 80% और मोर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल एंड एलाइड, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ डिफिनेशन था, बट ऐसा है कि पहले, बहुत पहले 4,000 था, फिर एक सेंसस के बाद उसको 5,000 कर दिया गया। तो सेंसस के टाइम में रूरल एरिया डिफाइन किया जाता है, एंड दैट डिफिनेशन जनरली इज बीन टेकन बाई एवरी वन, बट समटाइम्स आरबीआई ऑल्सो मिक्स, और आरबीआई अपने पॉलिसीज के लिए अलग से रूरल एरिया भी डिफाइन करती है। जैसे तुमने आरबीआई की एक पॉलिसी सुना होगा, आई लास्ट यू अबाउट दैट, कोई बताओ तो मुझे, हैव यू एवर हर्ड अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? एनीवन? बताओ राधिका, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? सर, इज इट रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू पीपल, सो लाइक टू लाइक द बैकवर्ड सेक्टर ऑफ द पीपल, लाइक हु आर नॉट एबल टू गेट इट लाइक फर्स्ट हैंड एंड ठीक है, मतलब बहुत हद तक ठीक है। इट्स लाइक जो फाइनेंशियल अम्ब्रेला है, गवर्नमेंट का डिफाइंड अम्ब्रेला है, सारे लोगों को उसके अंदर लेके आना। तो एवरीबॉडी शुड हैव एन बैंक अकाउंट, जो जनधन योजना तुमने देखा होगा, या फिर सबके लिए जीवन बीमा योजना जो है, फिर या फिर आरोग्य योजना है, या फिर इस तरह की जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की जाती है, उस तरह के एक्सेस को तो सबके पास पहुंचाना फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, मतलब इंक्लूजन का एक पार्ट है। तो बात हुई कि भाई अब जब बैंक नहीं खुलेगा तो लोग बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, तो आरबीआई टुक द स्टेप कि अगर एवरी बैंक, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, इफ दे आर ओपनिंग फाइव ब्रांचेस, वन मस्ट बी देयर इन अ रूरल एरिया। तो अब वो भी तो एक रूरल एरिया डिफाइन करना पड़ा कि भाई किसको हम रूरल बनाएंगे, बाकी जरूरी नहीं है कि 5,000 लोगों पे ही एक बैंक डाल दिया जाए, तो उनका डेफिनेशन ऑफकोर्स थोड़ा चेंज होगा। तो रूरल एरिया जो है इनका अलग हो सकता है। और गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक ही डिफिनेशन को फॉलो करते हैं, विच इज गिवन देयर इन सेंसस। बट ये पिछले साल और कई बार ऐसी डिमांड की गई है कि डायनेमिक होना चाहिए एवरी मिनिस्ट्री एंड विथ पॉलिसीज, है ना, स्कीम के हिसाब से, है ना, जो भी स्कीम है और जो है अपने हिसाब से कैन डिफाइन रूरल एरियाज, एंड देन अगेन दे कैन हैव द मतलब एक एक मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए जिसमें वो चेंज कर सके कि आफ्टर दिस थिंग हैपेंड, हमारे डिफिनेशन से ये एरिया रूरल से अर्बन में चेंज हो गया, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को बहुत बड़ा लिवरेज है, उनको नहीं गवर्नमेंट की कंप्लायंस को फॉलो करना होता है इन टर्म ऑफ आइडेंटिफाइंग रूरल एरिया। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कि एलजी कंपनी जब इंडिया में आई थी शुरू शुरू में, तो एलजी कंपनी के लिए भारत के चार पांच छह जो मेट्रो सिटीज हैं, मतलब मेट्रो तो चार ही सिटीज हैं, मतलब छह सात जो सिटीज हैं उसको छोड़ के, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, एक दो और ऐड कर दो, इसको छोड़ के इंटायर इंडिया वॉज रूरल इंडिया। सो देयर डिफिनेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल इंडिया बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ रीच दे कैन हैव इन दीज एरियाज एंड दीज एरियाज, क्योंकि वो रीच के हिसाब से, अवेयरनेस के हिसाब से भी रूरल एरिया और अर्बन एरिया डिफाइन करते हैं। कई कंपनी ऐसी हैं जो इवन दिल्ली के कई सारे पार्ट्स को रूरल एरिया डिफाइन करती है, बिकॉज कंपनीज को अपनी मार्केटिंग की पॉलिसीज या मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज या सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज जो है वो रूरल एरिया के लिए डिफाइन करना पड़ता है और अलग से डिफाइन करना पड़ता है। तो प्राइवेट कंपनीज हैव दिस लग्जरी टू डिफाइन रूरल एरिया
और उसको डायनेमिक रखने का एज ऑफ एन एज दे वांट और एज ऑफ एन जैसी उनकी नीड है वैसे वो डिफाइन कर सकते हैं. बट इन जो मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके पास ये प्रॉब्लम होती थी. ऑल्दो कहीं कहीं केस में स्कीम के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की गई है अलग से, बट इट्स नॉट इन द प्रैक्टिस. तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले महीने की ही बात है, पिछले महीने का पिछले साल की ही बात है, जब ये जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, क्या बोलते हैं उनको, इकोनॉमिक एडवाइजर जो द प्राइम मिनिस्टर, उनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं ईएपी तो बोलते होंगे या जो भी बोलते होंगे, जो इकोनॉमिक एडवाइजर ग्रुप है, जो उन्होंने सजेशन किए हैं, दिया है कि रूरल एरिया शुड बी डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द स्कीम्स. तो जैसे आप, जैसे कई सारे स्कीम्स हैं जो हमने इस डॉक्यूमेंट पे भी लिखा हुआ है तुम लोगों के लिए, मनरेगा है, ये अंत्योदय है, रूरल मिशन है, ये सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है. तो ये बहुत सारी पॉलिसीज के हिसाब से दे कैन हैव डिफरेंट डिफिनेशन फॉर रूरल एरिया. ठीक है, इसके साथ साथ एक रिसेंट एडवांसमेंट ये भी है कि जैसे हम लोग जब कहीं पे भी काम करते हैं, पॉलिसी से थ्रू काम करते हैं, तो उस एरिया में क्या चेंज आया उस पे भी बात की जाती है. तो हाउ डू यू मेजर कि कितना चेंज आया किसी पॉलिसी का या गवर्नमेंट के एफर्ट का, एक या पूरे कोलैबोरेटिव एफर्ट फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का और डिफरेंट पॉलिसीज का क्या इफेक्ट आया? तो उसके लिए नीति आयोग ने, ऑल्दो ये नीति आयोग का नहीं है, नेशनल एमपीआई जो ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है एक्चुअली, तो ये कोई नीति आयोग का नहीं है, ये यूएन के थ्रू ही सजेस्टेड है. ऑल अदर कंट्री ऑल्सो यूजेस दैट, बट नीति आयोग ने इंडिया में अलग से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है. एमपीआई जो मेजर करता है कि ग्रोथ को हम जिसको में मेजर कर सकते हैं, तो इसमें हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग मोर और लेस जीडीपीआई जैसा ही है. और जीडीपीआई में क्या क्या, जीडीपीआई कह रहा हूँ सॉरी, एचडीआई में क्या क्या काउंट होता है, मोर और लेस एसडीआई जैसा है. एसडीआई में क्या काउंट होता है, उनको पता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मेजर इन एसडीआई, कोई बताओ मुझे. एनीवन टेनिस, तुम तो बताओ भाई, एचडीआई के कंपोनेंट्स क्या है? सर क्या SBI या SDI? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंपोनेंट्स क्या है? जैसे ये एमपीआई है, ये भी एक इंडेक्स है, तो इसमें ऐसे 10 इंडिकेटर डाले गए हैं, बट मेजर जो है हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग से है. एचडीआई के कंपोनेंट्स क्या है, हाउ डू वी मेजर एचडीआई? सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज सर ओवरऑल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, फिर आ जाता है सर लिटरेसी रेट, देन एजुकेशन में लिटरेसी रेट एक ही नहीं हो गया जो एचडीआईएच से. देखो कंट्री टू कंट्री एजुकेशन. डेटा मिलना अलग बात होती है. देखो अभी तुम मुझसे डिबेट कर सकते हो कि एजुकेशन और लिटरेसी रेट अलग अलग होती है, बट व्हेन व्हेन वी टॉक अबाउट एचडीआई, तो एचडीआई में एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है. दे टॉक, वो सिर्फ लिटरेसी रेट पे बात करते हैं, लिटरेसी नॉलेज रेट, फिर वो तो क्या बोलते ह्यूमन हैं, डेवलपमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, और एक होता हाँ लाइफ है एक्सपेक्टेंसी सर होती है पर और कैपिटा, पर कैपिटा इनकम. तो सर पर कैपिटा इनकम होता है. ये तीन चीजों पे होता है. अमर्त सेन, या फिर जिन लोगों ने भी इसको, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है और अमर्त सेन ने मिलकर इसको डेवलप किया, तो जिन लोगों ने भी इसको डेवलप किया दे वांटेड टू हैड मोर इंडिकेटर्स इन दिस एचडीआई, बट वो ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर्स को इसलिए नहीं डाल सकते थे कि मोस्ट ऑफ द कंट्री डू नॉट प्रोवाइड दोज मेजरमेंट्स और कैन नॉट प्रोवाइड अ फेयर मैनेजमेंट ऑफ दोज इंडिकेटर्स. तो इसलिए अल्टीमेटली इन तीन चीजों पे ही उनको रिलाई करना पड़ा, बिकॉज दिस इज पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता था. तो दैट्स वाई ही दे पिक्ड दिस थ्री थिंग्स ओनली. बट जब, चूंकि नीति आयोग है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और कंट्री हमारा है, तो वी कैन हैव मल्टीपल आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट और इकोनॉमी और लाइफ टेक इन टू अकाउंट फॉर क्रिएटिंग द न्यू इंडेक्स. तो ये नीति आयोग की वेबसाइट पे जाओगे, मैंने तो निकाल ही रखा है,
लेट मी शो यू द वेबसाइट, एक सेकेंड, यहाँ चला गया। डिलीट कर दिया क्या? एक सेकेंड, तुम इसको देख लो तो बेटर रहेगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये फुल फॉर्म है इसका। जो लोग भी इरमा का इंटरव्यू देना है या पॉलिसी वाला जो वो कर रहा है कोर्स की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये क्लास जरूरी है। तो ये देखो, इन्होंने ये तीन मेजर डोमेन है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग। उसके अंदर में भी सब मेजरमेंट्स लिया है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने अकाउंट में ली। तो टोटल 10 इंडिकेटर है, लेकिन इस तीन में ही वांटेड वांटेड बटा हुआ है। तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि हाउ द एमपीआई इज बीइंग क्रिएटेड, बट हाँ, मेजर कंपोनेंट क्या होगा और कितने इंडिकेटर्स हैं, तो तुम ध्यान में रख सकते हो कि 10 इंडिकेटर्स हैं, 3 फ्रॉम हेल्थ, 2 फ्रॉम एजुकेशन एंड रेस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस ऐसे करके एमपीआई डिफाइन किया गया, और गवर्नमेंट हर साल या टाइम टू टाइम एमपीआई इंडेक्स मेजर करती है गांव की, एंड थ्रू दैट दे मेक द पॉलिसी फर्दर कि आगे क्या करना है। ऑल दो तुम देखोगे कि गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बुरी बात क्या है, कि बुरी बात कहो या हो सकता है कि ये मजबूरी हो, कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे पैरेलली पॉलिसीज को गांव के लिए चलाती है। सो बिफोर गोइंग टू द पॉलिसीज, आई विल आस्क यू कि गिव मी द मेजर कंसर्न वेयर यू थिंक दैट देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी। भूल जाओ कि गवर्नमेंट का क्या है, तुम गांव को विजुलाइज करो एंड गिव मी फ्यू एरियाज जहां तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट को वहां पे करना चाहिए काम इस डायरेक्शन में। तो बताओ मुझे, एक एक करके बताओ, कोई इन्वॉल्व है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कंसर्न अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ बटन विच अ गवर्नमेंट कैन पुश, ठीक है? तो एवरी टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट कि अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसी बनाओ, समझ रहे हो? जॉब क्रिएशन तो और कर सकते ना गवर्नमेंट, मतलब कैसे जॉब सर क्रिएशन? इम्प्लॉयमेंट, पहली बात तो अभी इंडिया में बड़ी है सर इम्प्लॉयमेंट। अभी वो आया था इम्प्लॉयमेंट, नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट रेट आया बात था नहीं तो वो कह रहा घटा हूँ है। मैं, नहीं कनेक्ट, लेट्स नॉट गो बिहाइंड द डेटा। एवरीबॉडी नोज कि गांव में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, दैट्स व्हाई पीपल माइग्रेट्स टू द सिटी। हालांकि केवल यही रीजन नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पॉलिसी का पर्पस हो सकता है, पॉलिसी कैन नॉट बी आस्ट या मेड इन दिस टर्म कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो जब आप फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इट इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जितने भी इकोनॉमी बिजनेस रिलेटेड ज्यादा इकोनॉमी होगी तो वो फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है, तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप, द मोर द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट द मोर द नंबर ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड। पीपल हैव अ मिसकॉन्सेप्शन कि सरकार ठीक ही नौकरी क्रिएट करेगी, बट ऐसा नहीं होता। सरकार कंडीशंस क्रिएट है, करती है मैंने जिससे तो नौकरी क्रिएट हो बताया सके। कि एम्प्लॉयमेंट का बटन नहीं होता है जिसको आप ट्विस्ट करो। सो व्हाट यू डू, यू फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, फैसिलिटेट एक, अब बेरोजगारी क्यों है गांव में? जैसे मान लो, अगर तुम बोलते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये बताया इसने राधिका ने, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम, व्हाई देर इज अ केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, बताओ क्यों है? Because there are not enough number of jobs, अच्छा, तो ठीक है, and also the level of education was also very low, so people are not skilled. में ये बताओ, स्टार्ट ऐसे करो कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना, या फार्म प्रोडक्ट है, वो लिमिटेड होता है।
ठीक है, डिस्गाइज एंड होता डिस्पाइट हाँ, डिस्गाइज्ड इनकम। तो पीपल आर, एक ही फैमिली में से एक फार्मर है, उसके चार बेटे हो जाए तो सेम लैंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फोर पीपल, ये, या फिर एक फार्मर है उसमें एक लेबर काम कर, अब उसके तीन बेटे हो जाए, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दीज पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरिया, ये जो प्राइमरी सेक्टर पे काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट इजिली, दे कैन नॉट गेट इजिली स्किल्ड फॉर टर्सियरी सेक्टर, ठीक है, टर्सियरी सेक्टर में हम अचानक से उनको स्किल नहीं कर सकते, उनको सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट कराने के, हाँ, तो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट कराने के लिए आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो जैसे अब, या फिर जैसे मान लो कि जैसे अभी कनिष्क ने बोला कि एंटरप्रेन्योरियल को आप प्रमोट करोगे, बट दिस इज नॉट वेरी इजी, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे रिसोर्स और मार्केट भरा पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, समझे, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि व्हाट, तुम्हारी तो मैन्युफैक्चरिंग, आवाज, हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो, सर, अगर हाँ आवाज आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर गवर्नमेंट इंडल्ज करती है, इन्वेस्ट करती है, तो फिर उससे तो ज्यादा जॉब क्रिएट हो सकती है ना, ऐसे कुछ मतलब। बट गवर्नमेंट क्यों खोल देगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जस्ट टेल मी अबाउट दिस, या फिर उससे डेवलपमेंट भी तुम होगा, मतलब वो तो डायरेक्टली वो तो प्रपोर्शनल। कौन सा डेवलपमेंट होने के लिए, गवर्नमेंट के पास भी तो कोई भी फैक्ट्री, अगर गवर्नमेंट को तुम चलाने के लिए बोल भी रही हो, फिर उस प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से कुछ अगर बनने वाला है तो वो प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, जो मतलब पॉपुलेशन, जो मतलब इंडिया की पॉपुलेशन है, तो वो यूज और वो करेगी। क्यों यूज करेगी, डू यू बाई एवरीथिंग विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, बट लाइक एवरी प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट मार्केट टारगेट, नो, सो लाइक वो अलग तो अलग अब टारगेट तुम लोग पर्सन। पहले तो ये बहुत भ्रम हटा दो कि गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ओके व्हेन व्हेन यू टॉक लाइक दिस कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा देगी, गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर देगी, गवर्नमेंट कुछ कर पाती तो अब तक कर दी होती, गवर्नमेंट कैन ओनली फैसिलिटेट, ठीक ओके है, तो अब फिर फिर जो पॉलिसी हम लोग अगर पॉलिसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट ही पॉलिसी बनाएंगे ना, तो मतलब। गवर्नमेंट की ही पॉलिसी पढ़ेंगे, तो फैसिलिटेशन कैसे करती है वो पढ़ना है हमें। अच्छा अब ओके गवर्नमेंट क्या करती है, देखो जब, अब ये समझो, जब फार्मर्स की बात हुई कि फार्मर्स जो है पूरे साल अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बहुत टाइम अनएम्प्लॉयड रहते हैं, या फिर फार्मर्स फार्म लेबर के बच्चे हो गए, है ना, गांव की पॉपुलेशन बढ़ी, देयर आर पीपल हु आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट देयर, अब हाँ वो तुरंत प्राइमरी से टर्सरी पे शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हमने कभी बताया ही था तुम्हें कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी 53% लोग और 53 से ज्यादा% लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और जस्ट 16% के आसपास लोग जो टर्सरी पे है, जबकि टर्सरी में 64% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल आर डीलिंग विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ जीडीपी। तो अब अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो आइडियल शिफ्ट ये होता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से टर्सरी पे भी जाए, बट इंडियन सेकेंडरी इकोनॉमी इज वेरी वीक, हमारा सिर्फ 16% का कंट्रीब्यूशन है, फैक्ट्रीज आर वेरी लेस, ट्रेड एंड बिजनेसेस आर मतलब थोड़ा बहुत काम करते हैं बट दे कैन नॉट सफाइस द नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गवर्नमेंट कैन नॉट ओपन, ये भी बात है कि गवर्नमेंट मशीन मतलब फैक्ट्री नहीं करती, अब उसके लिए गवर्नमेंट, और ऐसा भी नहीं है कि एक दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से आपका काम सही हो जाएगा एंड यू विल बी स्टार्ट मेकिंग जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में जितनी फैक्ट्रीज खुल रही हैं उतनी बंद हो रही हैं, अगर आपको रिसेंट ईयर्स का अगर तुम डेटा पढ़ोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो फैक्ट्रीज थी, जैसे मोजर हाँ पियर यूज टू एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, शेवरले की फैक्ट्री, फोर्ड की फैक्ट्री और कई सारी फैक्ट्रियों में ताला भी लगा है, ठीक है, डिमांड भी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब हाँ, ऐसे। तो वो तो इकोनॉमी को साइक्लिक रखना गवर्नमेंट का वो है मेन काम है, कि इकोनॉमी को मोबाइल रखे, लिक्विड रखे, कि लोग पैसे खर्च करें, लोग इन्वेस्ट करें, लोग खर्चा करें, तुम तो देखो कि बहुत पहले ना सेविंग अकाउंट रेट में 7% रेट होता था पहले, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है, और इन्फ्लेशन बहुत कम था, 2 से 3% था, ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि बैंक में डाल देते थे पैसा,
हैबिट ऑफ सेविंग वॉज टू मच इन इंडिया, लेकिन जब 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, बहुत सारी कंपनी इंडिया में आई, और जब गवर्नमेंट का ये कंसर्न हुआ कि हम कंपनीज को इंडिया में ला रहे हैं और सारी इंडियन कंपनी को भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप फैक्ट्री बनाइए, तो अब लोगों में पैसा बचाने का अगर हैबिट है तो वो कैसे खर्चा करेगा? तो सडनली गवर्नमेंट डिक्रीज द सेविंग इंटरेस्ट रेट टू वेरी मतलब लेस 4% के आसपास ले आए। अब 4% के आसपास लेने के बाद क्या हुआ, और इन्फ्लेशन भी 4% हो गया, तो लोगों को लगा कि क्यों हम रखें, पैसा का तो खराब ही होगा, तो व्हाई शुडंट वी यूज इट राइट। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इस तरह का काम कर सकती है, फैसिलिटेट करने का। गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, अगर तुम हर गांव में सोचो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे, ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ जरूरी है, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, व्हाट इज द पॉलिसी, दे डोंट ओपन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इधर यू कैन रिक्वेस्ट समवन टू ओपन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ विलेज एरिया, तो फिर क्या गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, और दूसरा ये भी है गाँव के एरिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुल ही नहीं सकते, फिर वो उस सर्वाइवल नहीं होगा उनका, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत दूर बन रहा है, वहां पे रिसोर्सेस दूर से जाएंगे, वहां पे स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगा, ट्रैफिक और अलग दूसरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब देर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नीड्स। तो सर एक डाउट है मुझे, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर रूरल एरिया बनता है उसको मतलब डिलीवर करना पड़ेगा, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन वाला जॉब भी तो क्रिएट हो रहा है ना ऐसे में कर हो रहा है, लाइक लेकिन नो बडी विल ओपन फैक्ट्री इन अ वेरी फार रिमोट एरिया। इसीलिए तो तुम देखोगे ना मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर्स होते हैं ऐसे स्पार्सली, जैसे ये मान लो कि ये कंट्री है, तो कंट्री में ऐसा नहीं होता कि यहाँ 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 ऐसे ऐसे हम एक भी डिस्टेंस करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डलवाते। तुम देखो एनवायरमेंट भी होगा फिर। जो क्लस्टर्स डेवलप होते हैं, कि हाँ जैसे मान लो कि तुम यहाँ से दिल्ली से रोहतक वाले रोड में जाओ, रोहतक की तरफ, तो यू विल फाइंड कि उस रोड में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एसी टीवी वॉशिंग मशीन के वाले बनाते हैं। तुम उसमें मेरठ एरिया में जाओगे तो पीतल वाले सब या उस तरह की इंडस्ट्री है, मतलब अलग अलग जगह में। चेन्नई में ज्यादातर कार की कंपनी जो होती है या तो चेन्नई में होती है, ठीक है, या फिर बैंगलोर या फिर दिल्ली गुड़गांव में होती है। तो जब इस तरह से क्या होता है ना, क्लस्टर में मैन्युफैक्चरिंग एरियाज डेवलप होते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट को अगर डेवलप करना होता है मैन्युफैक्चरिंग का ना, तो दे डोंट पोस्ट इट टू द विलेज एरिया, वो क्या करते हैं एसईजेड बनाते हैं। एसईजेड जानते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि हम बड़े मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के मतलब ये नहीं कि एप्पल आ गया, एप्पल तो चलो ठीक है कहीं भी बनाएगा तो उसको रिसोर्स मिल सकता है, बात है छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का। दे कैन नॉट, मतलब दे कैन नॉट वाली बात यह है कि हाँ उनकी इतनी स्केल नहीं होती कि उसके लिए चीजों को डेवलप किया जाए वहां पे, क्योंकि पावर प्लांट्स चाहिए, वो वाटर बॉडी चाहिए, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, गार्बेज रिमूवल का वो चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए। तो गवर्नमेंट ये बहुत सारी फैसिलिटीज देती है एसईजेड में, तब कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक साथ खुलते हैं। तब ये पॉलिसी जो है ना, इट्स नॉट फॉर रूरल एरिया। तो रूरल एरिया, आप यहाँ जो कनिष्क ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम सपोर्ट करेंगे, ये गाँव में ये एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट करने से पहले रिसोर्स और मार्केट डिफाइन करना जरूरी है। तो इसके लिए जैसे पॉलिसीज कई सारी हो सकती हैं, एवरीथिंग कैन हेल्प एवरी पॉलिसी, और मतलब अगर आप दिमाग से सोचो, जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट का वो था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ये तुम लोगों ने सुना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट, किसी ने सुना है? लिख लो कहीं पे इसको, पढ़ना तुम लोग। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, इसमें इन लोगों ने क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट के इम्पोर्टेंट, या जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीआई टैग वाला जो कंसेप्ट है ना, उसी को यूज किया इन लोगों ने, कि हर डिस्ट्रिक्ट के किसी एक प्रोडक्ट को, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट, आप प्रोजेक्ट किया मतलब प्रोजेक्ट ऐसा भी हो जा सकता है, हैंडमेड भी हो सकता है, या फिर लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज का भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के किसी की कंपोनेंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको ब्रांड किया गया, सो दैट मार्केट डेवलप, रिसोर्स है गांव में, प्रोडक्ट और सर्विस का वो भी हो गया, मार्केट डेवलप किया गया एक कॉमन ब्रांडिंग के हिसाब से। नाउ गवर्नमेंट कैन पुश एंटरप्रेन्योरशिप कि आप इसमें बिजनेस करो तो हम आपसे 3 साल टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको ये वाला
इस वाले बिजनेस डोमेन में आप रजिस्टर कराओगे तो आई विल हैव अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म, जो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने का जो पंगा होता है वो नहीं लेना पड़ेगा, यू विल बी ट्रेन्ड। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रेनिंग है वो है, ये इनक्यूबेशन सेंटर की तरह नहीं चल सकता है या फिर शार्क टैंक की तरह नहीं चल सकता कि आप अच्छा आइडिया खोज कर लाओ तो हम आपको पैसा दे देंगे। वहां पे गांव में अगर एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप करना है तो इट्स नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स अ इंटरप्राइज डेवलपमेंट विद सोशल इंटरप्राइज डेवलपमेंट के काइंड उस पर होना चाहिए। तो गांव की हर समस्या के लिए, जैसे ये तो हम लाइवलीहुड की अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, चलो अनएम्प्लॉयमेंट में एक चीज और है कि लाइवलीहुड पे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में तो अभी हम उनकी बात कर रहे थे जो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अब उनकी बात करें जिनकी है बट दे आर वेरी वल्नरेबल और ऐसे स्टेज पे हैं विच आर नॉट गिविंग देम एनफ मनी इन रिटर्न। तो जैसे तीन तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो जो अभी करंट लाइवलीहुड है गांव के लोगों का, है ना, वैसा हो सकता है कि वो बहुत वल्नरेबल हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऑन द वर्ज ऑफ एंड, कि जैसे मतलब जैसे मान लो कि फॉरेस्ट लैंड पे डिपेंड करते हैं कई सारी लोकल पॉपुलेशन, अब गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लैंड को घेर दिया एंड एंड दे से कि अब नाउ यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, तो अब इन सारे लोगों का खत्म हो गया ना ऑक्यूपेशन। या किसी एरिया में लोग चिल्का झील, समझ लो तुम चिल्का झील के आस के लोग जो है, आसपास के सारे गांव के लोग जो है वहां से मछली मार के वो अपनी ऑक्यूपेशन उससे चलाते हैं, ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई अब यहाँ पे नहीं होगी फिशिंग, तो उन सबका तो ऐसे एकदम एंड पे आने लगा, या वल्नरेबल है या फिर लेस पेइंग, जैसे गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं जैसे दिल्ली वाली जगह पे, तो ये तो दिल्ली की बात हो गई, गांव की बात करते हैं कि जैसे तुम झारखंड में जाओगे ना तो कई सारे एरिया में वो बनाते हैं बीडी बनाते हैं लोग गांव में, तो दिस इज वन काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, बट उसमें क्या होता है बहुत लो इनकम होती है। तो ऐसे सब केसेस को डील करने के लिए भी आप पॉलिसी बनाए गए, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है या फिर इस तरह के जितने भी, हालांकि गवर्नमेंट जो है हमेशा दे ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम एनजीओज आल्सो और एनपीओज आल्सो, एनपीओज और एनजीओ इन पे यू आर मोर इंडिपेंडेंट इन डिफाइनिंग एनी पर्टिकुलर लोकल स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग लाइवलीहुड। तो वल्नरेबल है तो उसमें क्या आपका काम होता है कि वल्नरेबल है तो आप उसको या तो स्ट्रेंथन करो या लोगों को धीरे धीरे शिफ्ट करो फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन, एंड हो चुका है तो उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करो और फिर दूसरी जगह शिफ्ट करो, और अगर लास्ट केस है कि कम है तो या तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करो जिससे कि उनकी इनकम बढ़े या फिर अगेन उनको शिफ्ट करो। तो अब शिफ्ट जब भी हम बोल रहे हैं, शिफ्ट रिक्वायर्स व्हाट, ट्रेनिंग, क्योंकि उनको उनको किसी और जॉब के लिए अगर आप ट्रेन करोगे, और सेकंड जो चाहिए शिफ्ट करने का, या तो ट्रेनिंग की जिससे कि लोगों को जॉब मिले एंड दे कैन शिफ्ट टू इवन अर्बन एरिया टू गेट गुड जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्टली ये चाहती है कि गांव के लोग गांव में रहे, है ना, या किसान किसानी रहे, इट्स गुड कि कुछ किसान किसानी छोड़ दे, दे शुड शिफ्ट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि किसान किसानी छोड़े, बट ऐसा नहीं कि सारे किसान किसानी छोड़े। तो कई बार तुम देखोगे कई सारे नेता लोग जो है जगह जगह चिल्लाते हैं कि इतने लोग किसानी छोड़ रहे हैं, इतने लोग किसानी, तो वो तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर लोगों को ट्रेन कर रही है, शिफ्ट कर रही है उनके एम्प्लॉयमेंट को, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट कर रही है, प्राइमरी से टर्शरी की तरफ शिफ्ट कर रही है, इट्स अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेनिंग जो है वो उनको शिफ्ट कराएगा दूसरे ऑक्यूपेशन पे। दूसरा एक तरीका होता है रूरल इंटेंसिव इंडस्ट्री को डेवलप करना, उसमें तुम्हें एक चीज तो मैंने बताया ही कि एक तो जीआई टैग या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट, दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैज अराइज्ड और लोग बहुत उसमें ले रहे हैं, वन ऑफ द होप फॉर रूरल एरियाज, रूरल टूरिज्म, स्पेशली रूरल टूरिज्म खासकर जो पहाड़ी एरियाज हैं या फिर जहाँ का लैंडस्केप बहुत डाइवर्स है, अर्बन लैंडस्केप से बिल्कुल अलग है, या फिर जहाँ का कल्चरल डाइवर्सिटी इज वेरी रिच, मतलब डाइवर्सिटी कहने मतलब कि उनका कल्चरल कंपोनेंट कुछ ऐसा है जो जनरली वी डोंट वी हैव नॉट सीन, तो ऐसे एरिया में रूरल टूरिज्म डेवलप करना आसान है। दूसरा क्या है,
जो हेरिटेज, मतलब इसी तरह की बात होगी, रूरल टूरिज्म के अंदर ही आ गया, हेरिटेज इकोनॉमी या फिर हैंडीक्राफ्ट की लोकल जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो हैंडीक्राफ्ट या लोकल जो उनके कुजीन्स हैं उसके ऊपर भी उन, मतलब प्रोसेस फूड, जो कुजीन्स मतलब ये नहीं कि वहाँ बैठा है खिलाने वाला, प्रोसेस फूड, इन सबको टारगेट करके, इन सबको आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट कैन, तो वो आपके पॉलिसी में ये भी हो सकता है। तो अब जब आप नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पढ़ोगे तो यू फाइंड कि हाउ पीपल, मतलब ये तो पॉलिसी गवर्नमेंट का हो गया, इसके अलावा भी एनजीओज या एमपीओज या कॉरपोरेट्स जो रूरल एरिया में काम करना चाहती है उन्होंने कैसे कैसे पॉलिसीज लेकर आई हैं। जैसे तुमको मैं बताता हूँ कि कई बार ये जो स्ट्रेंथन करने वाली बात थी, जो मैंने बोला था कि जिसमें इनकम कम है, जैसे मान लो कि इसका एक एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ, एंड दैट हैज नॉट बीन डन बाई गवर्नमेंट, जैसे गुजरात में के जो भी वो होते थे काउ ओनर्स और बफेलो ओनर्स होते थे, उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन थी उस पे उनको बहुत कम रिटर्न मिलता था। बट अब इस सिचुएशन को वर्गीज कुरियन जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एंड ही मेड अ ऑपरेशन विद देम, और उसके बाद एक सेंट्रलाइज फैक्ट्री स्टेब्लिश की, उसमें उन्होंने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट ऐसे निकाले जो प्रोसेस्ड है, जिनका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, जैसे दही का बढ़ जाता है, पनीर का बढ़ जाता है, रबड़ी का बढ़ जाता है, ऐसे सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। फिर उन्होंने जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनको एक वो किया कि जिस दिन वो नहीं भी करें उनके उस दिन भी उनको कुछ पैसा मिले, और मिल्क के रेट्स बढ़ाए। इससे क्या हुआ कि वही ऑक्यूपेशन उनको अब ज्यादा रिटर्न देने लगे। तो इस तरह की भी पॉलिसी होनी चाहिए, होती है, जो इस तरह के कॉरपोरेशंस को रिवाइव करने की कोशिश करती है, रिवाइव नहीं मतलब लाने की कोशिश करती है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट और सिमिलर थिंग हैज बीन डन इन मध्य प्रदेश एग प्रोड्यूसर्स को लेकर। तो जैसे पहले जो वो फार्मिंग करते थे, चिकन फार्मिंग, तो उनकी इनकम बहुत कम होती थी, तो उस इनकम को बढ़ाने के लिए, उस इनकम को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें सिक्योरिटी लाने के लिए, सिक्योरिटी जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। सोशल सिक्योरिटी मतलब कि आप जॉब, हम इवन कैसे डिफाइन करती है जॉब को, जॉब आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आप 1 महीना जॉब कर रहे हो और 1 हफ्ते बीमार पड़ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस हफ्ते में आपको खाने के लिए पैसे ना रहे। तो या तो आपको जॉब इनफ सेविंग दे रहा है, या फिर जॉब इज गिविंग यू सम स्कोप ऑफ डीलिंग विद दोस अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो इसी तरह से अगर आप कॉर्पोरेशन जो है वो जो दूध खरीदते हैं तो वो उन चीजों को भी टैकल करते हैं, और उसको भी मतलब उसको भी ध्यान में रख के वो बिजनेस करते हैं। दैट्स व्हाई कॉर्पोरेशंस आर नॉट कॉर्पोरेट, कॉपरेटिव सर, सॉरी कॉर्पोरेशंस नहीं, उसको कॉपरेटिव बोलते हैं। कॉपरेटिव्स आर नॉट कॉर्पोरेट्स। तो ये तो आपको लाइवलीहुड हो गया। फिर उसके बाद और क्या इश्यूज होते हैं, अनएम्प्लॉय, सॉरी लाइवलीहुड और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और गांव की समस्या क्या होती है बताओ। अब इसमें भी जैसे लाइवलीहुड से तुम बोलोगे, एग्रीकल्चर एक अलग डोमेन है जिसपे हम अलग से, हमें पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है, बिकॉज फार्मर्स के जो साइकिल्स होते हैं, एग्रीकल्चरल साइकिल्स, वो समझना, जो एग्रीकल्चर में साइंटिफिक प्रॉब्लम आते हैं वो समझना। अब साइंटिफिक प्रॉब्लम की बात ऐसे समझो कि बिहार स्टेट में जो इधर का रीजन है, अच्छा पारन और इधर के रीजन में, पहले फार्मर्स जो है वो शीशम का पेड़ लगाते थे, एंड देट यूज टू बी वो मतलब खेतों के पराली में लगा दिया या कहीं कहीं लगा दिया, तो वो बड़ा इनकम सोर्स बन जाता था, बिकॉज गुजरात राजस्थान कई जगह पे जहाँ पे वुड वर्क होते हैं, मतलब जैसे फर्नीचर वगैरह ज्यादा बनते हैं, यहाँ के व्यापारी यहाँ जाके खरीदते थे, तो किसानों के लिए एक एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, मतलब एग्रीकल्चरल लॉस पे भी उनको इनसे रिटर्न मिल जाता था। अब रिसेंट 15 ईयर्स में वॉट हैपेंड कि वो शीशम के पेड़ लगाने पे 4 5 6 साल के बाद वो डेड हो जाता है। अब ये समस्या आई, बट नो गवर्नमेंट कुड एवर चेक एंड कम अप विद एनी सॉल्यूशन हियर। तो गवर्नमेंट का काम ये भी है, पॉलिसी के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, बिकॉज आई डोंट नो व्हेन दे हैव स्टार्टेड, और मतलब किया तो है इस पे रिसर्च वगैरह, बट हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने इस पे प्रोमिनेंटली काम नहीं किया। तो एग्रीकल्चर हो गया, या फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए, तो हर चीज के लिए उनके लिए अलग से, मतलब गांव की समस्या अर्बन समस्या से थोड़ी अलग होंगी, और उसके रीजंस भी डिफरेंट है।
डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब अर्बन एरिया के रिस्पेक्ट में। तो अभी तो वो मान लो कि एम्प्लॉयमेंट और हम लाइवलीहुड पे बात की है, नेक्स्ट क्या आप बता सकते हो बताओ? स्किल की भी बात हमने कर ली, तो स्किल के अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, दिक्कत ये है कि दे आर कमिंग विथ डिफरेंट पॉलिसी फॉर डिफरेंट थिंग्स। अब दीन दयाल है ये वाला स्किल की काम है, मनरेगा जो है उनको टेम्प्रोरी अनएम्प्लॉयमेंट से वो कराती है, निजात देती है। बेनिफिशरी स्कीम है, जैसे कोई आदमी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको 80 डेज का एम्प्लॉयमेंट दे दिया मिनिमम, बाकी दिनों के लिए उनको ट्रेनिंग और इस तरह की बात की कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी बढ़े। बट मनरेगा ने क्या किया कि सिर्फ इस ये तो दिया बट रेस्ट श्योर नहीं किया जा रहा है कि पॉपुलेशन शिफ्ट हो तो मनरेगा से बाहर जा सके। तो हेल्थ हेल्थ लिखा है उसने, हेल्थ के लिए भी गांव की समस्या में, हेल्थ गांव में हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। पीपल डोंट टेक डिजीज एज इट इज, कई बार भगवान को वो मान लेते हैं या फिर जो पॉलिसीज है या फिर जो ओ जैसे हेल्थ का बड़ा कंसर्न कहाँ होता है, जैसे छोटे बच्चों के लिए जैसे मैटरनिटी के टाइम का, या फिर क्या बोलते हैं उसको, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। हाँ चलो तो ये सारी चीजें जो है कंसर्न के पैरामीटर्स होते हैं जो कि लोगों के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसके कारण भी कई बार होता है, वो मॉडर्न साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग वो डेवलप नहीं कर पाते, या फिर चूंकि जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो हेल्थ सेंटर्स हैं चूंकि स्मॉल पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं डेवलप की गई होती है। तब ये कई सारी छोटी 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 समस्याएं होती हैं। अब उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एवरी टाइम आइदर दे मेक अ न्यू पॉलिसी और दे रिवाइज द प्रीवियस पॉलिसीज, ठीक है। फिर एजुकेशन तुमने बताया, तो एजुकेशन के लिए दो चीजें हैं, एक तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी, जो एजुकेशन की जब भी बात करें ना कोई भी तुमसे बात करे तो डू नॉट इंटायर एजुकेशन इन वन अम्ब्रेला। जैसे ही आपसे एजुकेशन की बात हो कहीं पे भी हो, आपसे सवाल में इंटरव्यू में पूछा जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाए या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने की बात है, हम जब भी एजुकेशन आए आप उसको डिवाइड कर दो तुरंत, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग है ना, इसके लिए अलग से बात होती है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब एक साथ रख सकते हो, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन अलग होता है, फिर उसके बाद इसमें प्लस टू तक, प्राइमरी जो हो गया 8th तक की बात हो गई, ये आपका 9th 10th 11th 12th हो गया, फिर आपका ये कॉलेज एजुकेशन हो गया। इसके अलावा मैं कॉलेज एजुकेशन जो हो गया वो नॉर्मल सब्जेक्ट, इसके अलावा स्किल्स, स्किल एजुकेशन को भी आपको साथ में रखना है, एंड इसके साथ इन सब के साथ यू शुड आल्सो कीप एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन से क्या मतलब हुआ बताओ, एनीवन हंसिका बताओ व्हाट इज एडल्ट एजुकेशन? सर एडल्ट एज इन डू यू मीन टू से सेक्सुअल एजुकेशन? नहीं, मैं यही जानना चाहता था तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं, एडल्ट एजुकेशन मतलब जो पॉपुलेशन पढ़ नहीं पाई अपने टाइम पे, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, बड़े लोगों को पढ़ाने की बात, ठीक है, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ? बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो, हंसिका बोलो कुछ, यस डिड यू गेट माय पॉइंट हियर? जैसे 20 साल 25 साल 30 साल के लोग हैं जिन्होंने स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ नहीं पाए, तो उनको भी पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सब चीजें देखती है, क्योंकि जब बच्चा जो है वो एजुकेटेड होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो नेशनल प्रोड्यूस में या फिर नेशनल डेवलपमेंट में काम आता है। जो अभी करेंट एडल्ट एजुकेशन है, अगर आप इसकी एजुकेशन बिल्ड बढ़ा दो, लिटरेसी बढ़ा दो, उनकी पार्टिसिपेशन इन नेशनल डेवलपमेंट और बाकी जो पॉलिसी रिस्पॉन्स होता है उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब जब भी आपसे एजुकेशन की बात की जाए तो पहले तो डिवाइड कर दो, और फिर डिवाइड करने के बाद फिर सब सेक्टर को अलग अलग डील करो, प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम है। अब जो तुम्हें ऑब्जर्व करते हो ना ध्यान से ऑब्जर्व किया करो, किसी की सुनी सुनाई बात मत किया करो,
डोंट टेल कि गांव में प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, ये एजुकेशन का प्रॉब्लम है। किसने बोला था? राधिका ने बोला था ना। ठीक है, इस तरह से बात करोगे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। राधिका समझ में आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूँ? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल्स। अब वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट है कोई बात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने इंटायर पॉपुलेशन के लिए पॉलिसी प्रोविजन बना रखी है कि दे विल प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल ऑफ इट्स पॉपुलेशन, उसमें से कुछ लोग अगर शिफ्ट होना चाहते हैं प्राइवेट एजुकेशन के लिए, दे कैन हैप्पली शिफ्ट, बट गवर्नमेंट तो अपना करेगी ना काम। तो अगर और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हैज, हाँ विनय किसना, वोकेशनल एजुकेशन के लिए तो मैंने स्किल बोला ना, स्किल एजुकेशन, ये आप स्कूल के साथ भी चला सकते हो, कॉलेज के साथ भी चला सकते हो और सेपरेट भी चला सकते हो। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट हैज कम अप विद दीज पॉइंट्स कि सेकेंडरी स्कूल्स के साथ भी कुछ स्किल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन हो, कॉलेज के साथ भी हो, और कॉलेज के साथ ना हो तो अलग से भी हो, इसीलिए इसको अलग रखा मैंने। एनीवे मैं कहाँ पे था, हाँ तो स्कूल जो है गवर्नमेंट को चलाना ही है, स्कूल वो खोले, उसकी क्वालिटी मेंटेन करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनरोल कराए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गांव में केवल स्कूल खोल देने से सारे लोग पढ़ लें जरूरी नहीं है। है गांव में स्कूल, हर गांव में स्कूल होता है, बिकॉज एवरी सम 5,000 या सम 1,000 लोगों पे एक प्राइमरी स्कूल, एवरी सम 1,000 लोगों पे एक हाई हायर सेकेंडरी स्कूल, ये गवर्नमेंट के पॉलिसी में डिफाइंड है एंड गवर्नमेंट हैज मेड इट, मतलब उन्होंने बनाया भी है, बट इनरोलमेंट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बच्चे पढ़ाई की वैल्यू को नहीं समझते, तो इनरोलमेंट बढ़ाना ही, तुमने इंडेक्स में भी देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, और स्कूल अटेंडेंस, तो कितने लोग इनरोल किए, मतलब ये सारी जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। इनरोलमेंट क्या है, शिफ्टिंग क्या है, शिफ्टिंग मतलब कितने परसेंट लोग प्राइमरी से सेकेंडरी पे जा रहे हैं और कितने परसेंट लोग सेकेंडरी से कॉलेज पे जा रहे हैं, तो ये शिफ्ट, दूसरा अटेंडेंस, पासिंग रेट, एवरीथिंग, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये सब। और एजुकेशन लिटरेसी में मैंने बताया था कि फर्क होता है, एजुकेशन इज लाइक प्रोविजनल लीगल एजुकेशन जो आप मिलता है आपको विथ डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स, और लिटरेसी जो है गवर्नमेंट ऐसे डिफाइन करती है कि जब आपको पढ़ना लिखना, पढ़ना और साइन करना आता है। तो अब ये सारी चीजें आनी है। अब यहाँ पे आई, उसने बोला कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन कॉलेजेस, अब इट्स नॉट अबाउट कॉलेजेस, इवन स्कूल, तो क्वालिटी पैरामीटर्स को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हर काम नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है प्राइमरी एजुकेशन पे या फिर स्कूल एजुकेशन या कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने का। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क फॉर दैट, बट वो बड़े लेवल पे काम करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, NIT खोल दिया, लेकिन लोकल लेवल पे एजुकेशन को स्टेट ही देख रही है। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी को टाइट करे कि आप क्वालिटी मेंटेन करो, गांव की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, गांव के एजुकेशन पे अवेयरनेस बढ़ाओ, तो वो सारी चीजें। तो जब एजुकेशन की बात करोगे तो यहाँ पे हर फेज में जाकर यू हैव टू कम अप विथ अ न्यू पॉलिसी, आप पूरे एजुकेशन को एक साथ नहीं देख सकते। दूसरा किसी ने बताया, और कुछ बताओ, और कंसर्न एरिया क्या होगा जहाँ वुमेन अपलिफ्टमेंट, वेरी गुड छत्रप्लास, छत्रपाल, छत्रपाल, ओके तुमने भी अच्छा बताया। वुमेन अपलिफ्टमेंट पे अभी न्यू नीति ऐसा करके कोई इवेंट हुआ था ना नवंबर में दिल्ली में, सुषमा स्वराज के नाम से कोई पॉलिसी भी लेकर आया गया है शायद, उसमें ये है कि गांव के औरतों को के राइट्स, मतलब जो वहां पे जो जेंडर बायसनेस है उसको कम करने के लिए, और अब कई बार तो गांव में वुमेन की एम्प्लॉयमेंट कमी नहीं होती, दे पार्टिसिपेट इन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ फैमिली बट दे आर नॉट काउंटेड एज अर्निंग मेंबर्स, समझे? तुम देखोगे कि वहां पे घर की औरतें जो है वो फार्मर्स की तरह काम करती हैं अपने अपने घर के खेतों में, बट स्टिल दे आर नॉट काउंटेड एज अर्निंग मेंबर जो है वो मेल काउंटर पार्टी कहलाएंगे। तो इस तरह कई चीजें हैं उसके ऊपर भी, उनकी चॉइसेस को लेकर, उनके उनके उस पे वुमेन एज एन कॉमोडिटी कई जगह ट्रीट हो रही है, या फिर हर एरिया में अलग अलग कंसर्न्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और वुमेन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर या फिर वुमेन राइट्स को लेकर, तो उसके लिए भी पॉलिसी बनता है। और क्या कंसर्न हो सकता है रूरल एरिया में,
एक बहुत बड़ा कंसर्न है सुपरस्टिशन और इस तरह की चीजों को लेकर भी, उस पे भी गवर्नमेंट को मतलब पॉलिसी बनाना सकता है, अपनाया जा सकता है। एनिमल राइट्स, ऑफ कोर्स एनिमल राइट्स पे याद आया मुझे, स्टेट मतलब ये पॉलिसी के पार्ट्स रहे हैं कई बार, बट वी कुड नॉट मेंटेन इट वेल। एक एक पिक्चर मैंने देखा था अभी बीच में, पालतू जानवर, शायद कन्नड़ या अपने तमिल पिक्चर था, तुम लोगों को भी मौका मिले तो देखना, वो हॉटस्टार पे है शायद। तो वहाँ पे उस पिक्चर को देख के आपको पता चलेगा कि एक पॉलिसी है ऐसा कि गाँव में जो लोग एनिमल हस्बेंड्री या मतलब इसे पालते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्या पॉलिसी है, तो उस तरह के भी पॉलिसीज होती हैं, उस पर भी ध्यान देना। और बताओ, और कंसर्न एरिया बताओ। सर इलेक्ट्रिसिटी हाँ, विलेजेस बेसिक फैसिलिटीज जो पब्लिक यूटिलिटी की फैसिलिटीज है, गांव की रोड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट, सब लोग काम करते हैं। तो जैसे ये फ्यूल, जैसे खाना बनाना, कुकिंग फ्यूल, MSP इज फॉर फार्मर्स, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज में आएगा। तो जैसे उजाला, उज्ज्वला, हर घर नल योजना, हर घर जल योजना, कई तरह के ऐसे योजना आते हैं। एलाइड फील्ड, हाँ, सैनिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी स्वच्छ भारत मिशन और ओपन डिफिकेशन को लेकर टॉयलेट्स वाले जो वो थे, वो बहुत किए गए हैं, बट इसका एक बहुत वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें, हालांकि आई मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट इट इन क्लास ऑल्सो, या नहीं भी किया हो तो मैं बताता हूँ मैं, कि गाँव में क्या होता था, पहले घरों में टॉयलेट नहीं बनाए जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पहले से टॉयलेट घर में बनाने का कल्चर नहीं है। तो किसी के यहाँ बनता भी है ना, तो बहुत कॉर्नर में बाहर की तरफ बनता है, या तुम देखोगे कि मतलब दूरी बनाते हैं। बट हुआ क्या कि गांव में क्या होता है कि ऐसे तो वुमेन राइट्स नहीं है, औरतें घर पे ही ज्यादातर रहती है, एंड सुबह शाम का जो टाइम होता है, व्हेन दे गो फॉर टॉयलेट, वो खेतों में जाते हैं, रोड के किनारे जाते हैं, दैट्स अ टाइम फॉर सोशलाइजेशन। तो वो सोशलाइजेशन के टाइम मतलब उनमें वो सेम फैक्टर नहीं होता है दैट अर्बन पीपल डू हैव और वी डू हैव, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ये सोशलाइजेशन का जो वो उनका वो होता था टाइम होता था, अब घर घर में टॉयलेट्स बन गए, टॉयलेट्स बन गए, प्रमोट किया जा रहा है, आप घर में करो, ओपन डिफिकेशन नहीं करो। पंचायत लोगों ने देखा होगा कि DM जाके खोजने लगते हैं कि जहाँ पॉटी दिखेगा वहां के पंचायत के अधिकारी को मारेंगे, मतलब उसको करेंगे। तो इससे नहीं, ये क्लोज कन्फाइंड हो गई एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ गए। तो कई बार पॉलिसी के बाई प्रोडक्ट्स भी हो जाते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ हो जाते हैं जो, तो उसके भी मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसकी भी असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो पॉलिसी के स्टेप वाली क्लास में बताएंगे कि पॉलिसी इवेल्युएशन जो मतलब जो आपका इम्प्लीमेंट हो गया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको असेस करना भी कि कितना सही हुआ, क्या हुआ, उसके अदर आउटकम्स क्या रहे। फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स ये इस पे भी हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए, गांव के लोग जो है अर्बन लाइफस्टाइल को जी सके और अर्बन अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें जो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। एम्फेसाइज ऑन फॉर फॉर्मेशन ऑफ FPO, FPO क्या होता है, ये MSP पे तो अलग से ही बात करना ही पड़ेगा, प्राइसिंग का तो है ही इशू। अभी तो हम गांव के सारे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा अभी रिसेंट टाइम में तुमने देखा होगा कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ। व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन? So it is the migration of going to the villages back from the urban area. बाय डिफॉल्ट हुआ कोविड की वजह से, कि लोग जो हैं वो कोविड की वजह से घर गए, एंड दे डिड, क्योंकि यहाँ के भी जॉब अनसेटल्ड हो गई, तो अब दोबारा आके रीस्टार्ट करना, फिर से उतना टाइम इन्वेस्ट करना उनको नहीं वो लगा, तो बहुत सारे लोग रुक गए। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिवर्स माइग्रेशन, कैन समबडी पॉइंट आउट सम पॉइंट्स की क्या एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा ये भी, और एडवांटेज क्या होगा। तो पहले एडवांटेज पे बात करें कि अगर एडवांटेज हमें पॉइंट आउट करना हो, जैसे अगर तुमसे पूछा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिवर्स माइग्रेशन, तो क्या बोलेंगे आप?
आई थिंक वन ऑफ द एडवांटेजेस इज लाइक अर्बन एरियाज में बहुत मतलब हाउसिंग फैसिलिटीज कम है जो माइग्रेट करके आते हैं. सो हम वेन अभी रूरल एरिया पे तो करेंगे, डोंट टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ अर्बन एरिया। तुम ओके ऐसे करिए, हम तो शहर में रहते हैं, अच्छा हुआ हमारे यहाँ से गए। ये ओके पॉइंट नहीं कह रहा हूँ, रिवर्स ओके ओके माइग्रेशन हुआ, गांव में गए तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो डिवाइड हो जा रही है ना। जो ऐसे भी रिसोर्स कम है गाँव में, नाउ देयर आर मोर पीपल टू यूज दैट दोज रिसोर्स, तो ये सब डिसएडवांटेज करते हैं। नाउ टॉक द एडवांटेजेस ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। हेलो, हेलो हेलो बोलो, कोई बताएगा? टैलेंट पूल का वापस से गांव में जाना इट माइट एडवांटेजेस थिंग फॉर द रिलीजियस. हाँ, मतलब एक एक एडवांटेज ये है कि अर्बन एक्सपोजर के साथ या यहाँ के स्किल्स, यहाँ के एक्सपोजर के साथ बहुत सारे लोग गए, तो दे यूज दिस एक्सपोजर और दिस लर्निंग जो अर्बन एरिया में उनको मिली गांव में यूज करके, तो दे आर एक्चुअली मोबिलाइजिंग द इकोनॉमी देयर। एक एडवांटेज ये है, और बताओ। सो एज यू सेड कि दे आर यूजिंग एंड यूटिलाइजिंग देयर स्किल्स ओवर देयर, तो उसके वजह से दे आर ऑल्सो समवेयर यू नो डेवलपिंग द मार्केट्स एंड मार्केट डेवलपमेंट हो रहा है उधर. और बताओ, एक एडवांटेज ये है, देखो तुम लोग सोशल एस्पेक्ट भी सोचा करो। तुम लोग ना नजरिया ना कभी कभी एकदम इकोनॉमी या फिर एक ही डायरेक्शन में आता है। जब भी तुम्हें एडवांटेज की बात किया जाए ना, तो हर फीचर्स पे देखो, जैसे सोशल मतलब सोशियोलॉजी, सोसाइटी बेस, फिर लाइफ, जनरल लाइफ, इकोनॉमी, इस तरह पे देखो। तो सोशल में क्या एडवांटेज होगा, फैमिली कंप्लीट होगी, मतलब उससे क्या होगा, कई सारी जो वो होती है, जो फैमिली रिलेटेड हैप्पीनेस होती है, या फिर जो मिसिंग समवन वाला जो फीलिंग होता है वो कम होगा, फैमिलीज विल बी टुगेदर, दे विल बी मोर हैप्पी। लाइफ में क्या है कि जो कि अर्बन पॉपुलेशन जब जाएगी वापस, तो वो हेल्थ या उनकी थोड़ी अवेयरनेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी वगैरह ज्यादा होती है, तो दे कैन गो एंड हेल्थ को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, दे कैन ब्रिंग दैट चेंज इन रूरल एरिया। इकोनॉमी में तुमने बताया ही कि अपने स्किल्स को लेकर जाएंगे तो स्किल ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से तुम्हें जब कोई पूछ दे ना, तो कैटेगराइज करके कुछ कुछ सोच के, समटाइम्स द एडवांटेज कैन बी वेरी फार फेस्ड, मतलब फार फेस्ड मतलब कि ऐसा जो हम जबरदस्ती बता रहे हैं कि एडवांटेज है, मतलब जबरदस्ती नहीं, मतलब डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है, लेकिन घूम फिर के एडवांटेज है, तो वैसा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपसे पूछा जाए वही बताने वाली बात है यहाँ पे। तो ये रिवर्स माइग्रेशन है। अब रिवर्स माइग्रेशन को अगर टैकल करना है, या फिर अगली बार इस तरह के इश्यूज ना आए, तो कैसी पॉलिसी बननी चाहिए, और क्विक रिस्पांस, कई बार बहुत क्विक रिस्पांस होना चाहिए पॉलिसी में। जैसे यूपी गवर्नमेंट डिड वेरी गुड थिंग व्हाइल व्हेन द रिवर्स माइग्रेशन हैपेंड, कि वहां के लोगों को जो बाहर से आए उनको एकोमोडेट करना, सो दैट कि दे शुड नॉट फील लाइक कि हमारे पास क्या है, तो उसके लिए। और दूसरा कि जब आपके यहाँ से लेबर जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में, तो एक ऐसी पॉलिसी बनाना, इन्फोर्स करना कि वहाँ के लोग जो है सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान दें जो आपके यहाँ पे लेबर, क्योंकि लेबर को वेज वेज वाले जो भी वर्कर्स होते हैं उनमें गवर्नमेंट हालांकि बहुत ट्राई करती है कि उनके राइट्स हों, बट ऐसा हो नहीं पाता। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे अभी भी बहुत जीरो है डिस्पाइट मल्टीपल लॉज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट भी स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, उनकी अलग वो होती है, नेक्सस होती है, तो उसके थ्रू वो बच जाते हैं ऐसे सब रूल रेगुलेशन से। क्योंकि तो आपके यहाँ पे कोई एम्प्लॉय 2 साल काम करता है, तो उसका पीएफ या जो भी, वॉट एवर, इन वॉट एवर वे यू कैन क्रिएट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ऐसा कर दिया ना कि जनधन योजना के साथ लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, कई सारी चीजें बहुत कम पैसे पे दे रही है। ये चीजें क्या है, ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी को ही बढ़ाने के लिए है, बिकॉज कंपनी और द एम्प्लॉयमेंट दैट दे आर वेयर दे आर इंगेज्ड इज नॉट गिविंग दीज सोशल सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट पैरेलली कैन डेवलप। ठीक है, एक बहुत बड़ा वर्ड इसमें मिस हो गया, जो तुम लोग को मिस नहीं हो गया, मतलब वो माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि ये रूरल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन दैट विथ पॉलिसीज, जिससे कि उनकी सोशल सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी,
क्योंकि हम उनके ही कमाए हुए पैसों का कुछ पार्ट लेकर उसको एज एन सोशल इंश्योरेंस की तरह यूज कर सकते हैं उसमें। तो ये अब इस सारे अवेयरनेस को फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक हिसाब बनाया SHG का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। आई एम जस्ट पुटिंग दिस वर्ड हियर कि थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अल्टीमेट आउटकम ऑफ एनी क्लास शुड बी कि आपको ये पता होना चाहिए, आपसे जो पूछा जा रहा है वही जवाब देना है, सोच कर जवाब देना है, रॉ दे सकते हो, यू डोंट हैव टू यूज एनी बज वर्ड और वेरी स्पेशलाइज्ड जार्गन फॉर टू टेल एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बात बोलोगे, डेटा बोलोगे तो आपको नंबर मिलेगा। आपसे जो पूछा जाए वही नहीं बताओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं मिलेगा ना आपको सब्जेक्टिव राइटिंग में ना इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये तो हुआ आज का क्लास, अब रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, बट आई एम स्टिल हियर, यू कैन टॉक टू मी और आस्क योर डाउट्स, और कुछ डिबेट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते।